हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गोल्डन कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे हड़प्पा सभ्यता का, देखिए पार्ट फोर है, लास्ट टॉपिक है, ठीक है। पार्ट थ्री, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, ठीक है, ऑलरेडी आ चुका है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिटेल्स, आप तथ्यों के साथ इसका विश्लेषण चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से सारी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए, और पार्ट फोर में बेसिकली हम इन तीन चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। नगरीकरण हो गया, स्वरूप प्रकृति हो जाएगा, और पतन के कारण के साथ साथ इस हड़प्पाई सभ्यता का योगदान क्या है। तो ये चाहे प्रीलिम्स हो गया चाहे मेंस हो गया, दोनों एग्जामों के दृष्टिकोण से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से हम लोग कंप्लीट करते हैं। लेकिन कंप्लीट करने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, और साथ में देखिए इस लेक्चर वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि अब आज हड़प्पा काल के पतन के पश्चात हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वैदिक सभ्यता भी आएगा। वैदिक सभ्यता को भी हम लोग बहुत डिटेल्स स्टडी करने वाले हैं। तो थोड़ा सा मोटिवेट हमें करते रहिए और लाइक कमेंट, ठीक है, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग करें। तो चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी उद्भव, विकास, प्रमुख स्थल, विशेषताएं, ये तीन चीज़ें बेहद ही विस्तार में मैंने बताया हुआ है। नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका लिंक देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नगरीकरण की। देखिए, अब नगरीकरण की अगर यहाँ पे बात किया जाए तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो नगरीकरण है, नगरीकरण कैसे पहुँचा देखा हम लोगों ने, कि जैसे जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था से धीरे 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 नगरीकरण अर्थव्यवस्था की तरफ हड़प्पा काल का एक तरीके से जो एक विस्तार हुआ यहाँ पे, ठीक है, वो बेहद ही जो जर्नी थी बेहद ही शानदार थी। हमने ऑलरेडी इन सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो नगर योजना है, बेसिकली आप वर्तमान के संबंध में इसको आप कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए कि वर्तमान में जो भी नगर योजना बनाया जा रहा है उसी के संदर्भ में, ठीक है, बिल्कुल आप लोगों को सोचना है कि जैसे कि ईंट कहाँ से आएगा, कैसे मकान बनाया जाएगा, कैसे जो यहाँ पे आर्किटेक्ट किया जाएगा मकानों का, इसी तरीके से, ठीक है, अमीर गरीब, इन सारे चीज़ों का अगर आप ध्यान में रखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता के भी नगर योजना को आप बखूबी समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहला, यहाँ पर नगर की सड़कें और मकान बहुत ही सुनियोजित ढंग से यहाँ से बनाए जाते थे, बिल्कुल वर्तमान के समय की तरह। मकान बनाने के लिए यहाँ पे पक्की ईंटों का पूरी तरीके से प्रयोग किया जाता था, और सिंधु घाटी की एक निश्चित अनुपात मात्रा में, ठीक है, जो ईंट जो बनाई जाती थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे आयताकार भी होता था, लंबाई चौड़ाई मोटाई जिसे आज होता है इसका रेशियो बाकायदा आप देख सकते हैं 4:2:1 यहाँ पर दिया है, लंबाई चौड़ाई और इसकी जो मोटाई होती है। इसके अलावा नगर जो था, हमने देखा था कि एक विषमतामूलक जो चीज़ को इंडिकेट कर रहा था कि उस समय नगर दो भागों में विभाजित था। एक भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, और साथ साथ में ऊंचा जो भाग था दुर्गों से घिरा हुआ था। वहीं जो दूसरा भाग था यहाँ पे कि बड़ा तो था लेकिन इसे नीचे बनाया गया था, और इसे नीचे बनाया गया था अर्थात इसका निचला शहर इसे नाम दिया गया है। अब इससे हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि ऊंचाई में बना हुआ था, बहुत सीमित मात्रा में था, बड़े बड़े मकान बने हुए थे। इसका मतलब कि हो ना हो वहाँ पर व्यापारी शासक वर्ग वहाँ पर निवास करते होंगे, और जो निचला वर्ग था यहाँ पर कहीं ना कहीं कामगार वर्ग रहते होंगे, जहाँ पर बहुत बड़ा था आप कह सकते हैं। दुर्ग को कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाया जाता था, इसीलिए यह ऊंचे होते थे। कच्ची ईंटों को बिछा बिछा के, ठीक है, थोड़ा सा उसको पठार टाइप का बनाने के बाद ही उस तरह की चीज़ों का निर्माण किया जाता था। एक मूवी आई थी इस संदर्भ में, आप लोगों ने देखा होगा, मोहनजोदाड़ो। अच्छी मूवी तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन दुर्गों को समझने के लिए आप देखेंगे कि कैसे ऊंचे स्थानों पे जो दुर्ग बनाया गया है वहाँ पे विशेष अधिकार आप कह सकते हैं कि वहाँ पे हर किसी को आने जाने का वहाँ पे परमिट नहीं दिया जाता था। इसके अलावा दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है इसे निचले शहर से अलग किया गया था। दुर्ग में अब बहुत सारी सामग्री, यहाँ पे खाद भंडार, महत्वपूर्ण कार्यशालाएँ, धार्मिक इमारतें, जन इमारतें, व्यापार वगैरह, जो भी मार्केट वगैरह बड़ी बड़ी जो लगता था इसी के अंदर ही लगता था। और हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषता इसकी जल निकास प्रणाली है, ठीक है। अब जल निकास प्रणाली को देखिए पूरी तरीके से, बिल्कुल आज खासकर जो बड़े बड़े शहरों में होता है, पूरे जल निकासी को एक मेन जल निकासी होता है, फिर 21 मेन सॉरी यहाँ पे इस मेन जो जल निकासी को क्या किया जाता है कि पूरे, थोड़ा सा ऊपर आ गया है,
इस मेन जो जल निकासी को कई ग्रिडों में क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है। ग्रिडों में बांट देने के साथ साथ आप देखेंगे कि जो भी यहाँ पे नगर, छोटे छोटे जो भी नगर निर्माण हुआ है, यहाँ पे घर बना हुआ है, उसको भी इससे जोड़ दिया जाता है। तो बिल्कुल वही प्रक्रिया हमें उस, देखिए इतने साल पुराने, ठीक है, लगभग 4,500-5,000 पुराने समय में इस तरह की वहाँ के लोगों को ज्ञान था, तो वाकई में माने क्या संकेत कर रहा है कि हो सकता है कि उनको सफाई के प्रति, स्वच्छता के प्रति, ठीक है, कहीं ना कहीं उनके जागरूकता को दर्शा रहा है। तो ग्रिड पद्धति में लगाया जाता था और सड़कें एक दूसरे को सीधे समकोण पर काटती थी, और सड़कों के आप समानांतर कह सकते हैं कि जो भी इन नलियों का, इन ग्रिडों का, ग्रिड नुमा नालियों का जो विकास हुआ था, आसपास बनाया गया था। नालियों के साथ बनाई गई गलियां जो भी हैं, ठीक है, उनके अगल बगल मकानों का निर्माण किया गया था। साथ में नालियां ईंटों तथा पत्थरों से ढकी होती थी, ठीक है, जो भी ईंट और पत्थरों से ढकी हुई थी, और बकायदा जहाँ स्लोप वगैरह होता था, ठीक है, तेज़ी से कि पानी के छींटे ना आए, वैसे जगहों को, और वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है, वेल आप कह सकते हैं, वेल कंस्ट्रक्शन वहाँ पर दिखाई देता है, जिनके निर्माण में प्रमुखता ईंट और मोर्टार का प्रयोग किया जाता था, पर कुछ जगह चूने और जिप्सम का भी प्रयोग मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की तरफ ना खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे, जिसे मेन जो सड़क होता था, यहाँ पे घर अगर बना हुआ है तो इनके जो दरवाजे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेन सड़क की तरफ नहीं घूरते थे। अब आज के समय में अब कारण कई सारा हो सकता है कि इनके बच्चों को डर हो कि कहीं मेन सड़क से जो भी बैलगाड़ी वगैरह आ रही है, बच्चे का एक एक्सीडेंट ना हो जाए, धूलकड़ वगैरह ना हो जाए, तो मेन सड़क पे इनका रास्ता नहीं खोलता था, पीछे, ठीक है, घर की जो पीछे की गलियों में होती थी वहाँ पे इनका मेन रास्ता खुलता था, लेकिन लोथल में ऐसा नहीं मिला है, ध्यान रखिएगा। मकान में स्नानगृह प्रमुखतः गली अथवा सड़क के नज़दीक यहाँ पे बनाया जाता था। इसके अलावा कुछ और बातें हैं यहाँ पे, मोहन जोदड़ो में एक विशाल स्नानगार मिला है, जो कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई आप ऊंचाई देख सकते हैं, 11.88 मीटर, उसके बाद 7.01 मीटर, उसके बाद चौड़ाई है इसकी 2.43 मीटर, ठीक है, और यहाँ पे 2.43 मीटर गहराई है। संभवतः इस स्नानगार का प्रयोग अनुष्ठान, ठीक है, अनुष्ठानिक कार्यों के लिए होता है। तो यहाँ पे आप सांकेतिक चित्रों से आप समझ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसी तरीके का कंस्ट्रक्शन देखिए, अभी जो पुरातात्विक विभाग ने जो इसको खोद के निकाला हुआ, बिल्कुल ऐसे ही हमें दिखाई दे रही है, इतने सदियों से, ठीक है, ये दबी हुई जो यहाँ का आपको कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल अब वर्तमान में अभी भी ऐसा ही मौजूद है। तो कुल मिला के देखिए, नगर निर्माण योजना के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, एक एक पहलुओं को आप फोकस करके अपना आंसर राइटिंग कीजिए। हाँ, लेकिन याद रखिएगा, तथ्यों को ज़रूर शामिल कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप तथ्यों को शामिल नहीं करेंगे, ऐसा लगेगा कि आप कहानी लिख रहे हैं, ठीक है, वैसे में आपको उत्तर जो मार्क्स है नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा तथ्यों के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, इसकी स्वरूप प्रकृति क्या है। अब इसकी जो स्वरूप और प्रकृति को लेके एग्जाम में यहाँ पे कितने सारे सवाल बन चुके हैं, या फिर आगे भी आने की संभावना है, ठीक है, कई सारे एग्जामों में, खासकर सिविल सर्विस, जो भी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस है, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं कि जैसे कि इसकी देसी सभ्यता था, बारी बारी इसमें एक्सप्लेन करते चलता हूँ। देखिए, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, देसी सभ्यता का पूरी तरीके से प्रतिनिधित्व कर रही थी, क्योंकि इसकी उत्पत्ति एवं विकास पूरी तरीके से हम लोगों ने देखा था कि क्रमिक विकास का परिणाम है, और यह बलूची जो कृषक ग्रामीण जो समुदाय था, वहाँ से विकसित होते होते मेहरगढ़ से हड़प्पा निवासियों ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया था, और धीरे 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 जब कृषि का बहुतायत मात्रा में होने लगा, गैर कृषि कर्म को प्रोत्साहन मिला, शिल्पी आ गए, ठीक है, शिल्पी आने के साथ साथ व्यापार होने लगा, और धीरे धीरे नगरीकरण के तत्वों को बढ़ावा मिला। तो एक देसी सभ्यता को कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है। दूसरा है, देखिए, विस्तृत सभ्यता। विस्तृत का मतलब है यहाँ पे कि बहुतायत रूप में, ठीक है, बहुत बड़े क्षेत्र में। तो हमें दिखाई देता है कि भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता बहुत अधिक विकसित था, क्योंकि अगर इसका क्षेत्र देखें हम लोग, तो पूरा मिस्र एवं मेसोपोटामिया से 3 गुना अधिक था,
क्योंकि उत्तर में जो इधर मांडा था, ध्यान होगा, दक्षिण में दैमाबाद था, इधर सुतगांगडोर था, ठीक है, पश्चिम में, और पूरब में यहाँ पे आलमगीरपुर था। तो कुल मिला के इतना बड़ा एरिया, मैंने इसका डिस्टेंस भी मैंने आप लोगों को लिखवाया हुआ था, ठीक है, पहले मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी। तो काफ़ी एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है यहाँ पे हमें दिखाई देता है, ठीक है। और कार्यकाल की दृष्टि से भी अगर देखा जाए, ठीक है, तो विस्तृत एवं दीर्घजीवी दिखाई देता है, और इसके अनेक तत्व आज भी निरंतरता में है। तीसरा है यहाँ पे बहुजातीय सभ्यता। ऑलरेडी हमने देख लिया है कि बहुजातीय सभ्यता में जैसे कि भूमध्य सागरीय सभ्यता, प्रोटो अल्पाइन सभ्यता, ठीक है, जो लोग हैं यहाँ पे, मंगोलाइड हो गया, ये सारे लोग, ठीक है, जो एक क्षेत्र में, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में एक साथ जो मिल के रह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके बहुजातीय सभ्यता को भी इंडिकेट कर रहा है। तीसरा है यहाँ पे, सॉरी, चौथा यहाँ पे शांतिमूलक सभ्यता, ठीक है। तो शांतिमूलक सभ्यता में बिल्कुल आप, ठीक है, उस समय के जो लोग थे इतने सारे प्रजातियों से रहने के साथ, हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो भी उद्योग धंधे का विकास, व्यापार, ठीक है, वाणिज्य ढांचा, इन सारे जो विभिन्न प्रजातियों ने एक साथ मिल के जो इसका विकास किया, कहीं ना कहीं देखिए एक शांतिमूलक सभ्यता को भी एक तरीके से इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि सिंध निवासी आक्रमणकारी नहीं है, हम लोगों ने देखा था कि हथियार वगैरह के तत्व तो वहाँ से बहुत क्या मिले हैं, बहुत कम मिले हैं। वस्तुतः सिंध निवासी इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भारत की वर्तमान विदेश नीति का जो आधार है हमारा सिंध, ठीक है, निवासियों में हमें दिखता है, जो आज भी कहीं ना कहीं वो परंपरा जारी है। नेक्स्ट यहाँ पे नदी घाटी सभ्यता। अब देखिए जो भी है सप्त प्रदेश वाला जो क्षेत्र बोला जाता है, जो भी ये सात नदियों वाला प्रदेश है उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में, यहाँ पे इसका जो पोषण नदियों की गोद में हुआ। सभ्यता के जो भी अधिकांश जो नगर थे नदियों के किनारे विकसित हुए, और वहाँ की उपजाऊ मृदा में कृषि अधिशेष की स्थिति पैदा हुई। किंतु जैसे नदियों के मार्ग में परिवर्तन अथवा जल स्तर में वृद्धि हुआ, कृषि उत्पादन में भी गिरावट आई, और नगरी सभ्यता में यहाँ पे ह्रास के तत्व भी हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कांस्ययुगीन सभ्यता, ठीक है। कांस्य का जिस तरीके से यहाँ पे प्रयोग किया, तांबा टीन को मिला के एक नया धातु बनाया गया, ठीक है, जो वर्तमान में अगर देखा जाए तो समकालीन जो अन्यतम ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों से विशिष्टता का यहाँ पे स्वरूप प्रदान करता है, इसीलिए इसको हम लोग कांस्ययुगीन सभ्यता भी कह सकते हैं। एक और भी आप बोल सकते हैं नगरीय सभ्यता, ठीक है, नगरीय सभ्यता के अंतर्गत भी आप बता सकते हैं कि इसका स्वरूप पूरी तरीके से नगरीकरण था। जब भी प्रीलिम्स वगैरह में आए तो ध्यान रखिएगा हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण नहीं, नगरीकरण आपको बताना है। नगरीकरण के जो भी सभी तत्व थे, जैसे कि अधिशेष, कृषि, शिल्प उद्योग, सुनियोजित नगर, ठीक है, श्रम का विभाजन, विशेषीकरण, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नगरीकरण को इंडिकेट कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट है दीर्घजीवी सांस्कृतिक सभ्यता। अब इसके अंतर्गत हड़प्पा वासियों को विभिन्न, आप कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो भी आर्थिक सामाजिक गतिविधियों, जैसे मिश्रित खेती करना हो जाएगा, नृत्य संगीत की मौजूदगी, आवास निर्माण परंपरा, मनोरंजन के साधन, इन सब का जो प्रयोग किया गया, यहाँ तक कि धार्मिक विश्वासों का भी जो भी प्रयोग किया गया, जल पूजा, अग्नि पूजा, ठीक है, आज की निरंतरता में आज भी कहीं ना कहीं ये मौजूद है, जो सभ्यता को दीर्घजीवी स्वरूप से क्या करते हैं, उद्घाटित करते हैं, जो वर्तमान में आज भी हमारे समाज में देखने के लिए मिल जाता है। अंतिम और लास्ट यहाँ पे बता सकते हैं प्रगतिशील सभ्यता। प्रगतिशील सभ्यता के अंतर्गत यहाँ पे जो भी, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के दृष्टिकोण प्रगतिशील के आडंबर से युक्त को, जो उनके भवन निर्माण से प्रभावित होता है, भवन निर्माण बनाने की जो कला, किस प्रकार नलियों का ढका होना, पेयजल स्वच्छता पर ध्यान देना, उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने का संकेत करती है। इतना ही नहीं, जल संरक्षण, ठीक है, उनकी प्रगतिशीलता को दर्शाता है। साथ ही विभिन्न धार्मिक विश्वासों की मौजूदगी, व फिर वही सारी बातें हैं जो अग्नि पूजा, ठीक है, उसके अलावा लिंग पूजा, इन सारे प्रजातियों की उपस्थिति उस समाज में सहिष्णुता एवं वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना को दर्शाती है, जो आज भी भारतीय समाज की इस प्रगतिशीलता का मूल विशेषता है।
तो कुल मिला के ये सारा चीज़ है। अब जब भी आंसर राइटिंग करने के लिए आए, ठीक है, ये सब बातों लिखने के बाद आप लास्ट में जो भी ये तत्व है स्वरूप का, इसको क्या करिए कि थोड़ा इसको फ्लो चार्ट से ऐसे दिखा दीजिए, ठीक है, आधा एक नंबर हो सके कि आपको बाकी अन्य लोगों से ज़्यादा मिल जाए। नेक्स्ट है हमारा अंतिम और लास्ट, आप देख सकते हैं पतन के कारण, ठीक है, और इसमें पतन के कारण और योगदान है यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेके ऐसा तो कोई हमें ठोस प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है कि हम बोल दें कि पतन ऐसे ही हुआ है, ठीक है। इसको लेके बहुत ही सारी आप कह सकते हैं कि कॉन्ट्रोवर्सी है आज के समय में जो हमें दिखाई देती है। इतिहासकारों में इस मत को लेके, ठीक है, अलग अलग यहाँ पर राय है। सबसे पहले मैं आपको राय को ही दिखा देता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इतनी बड़ी विकसित सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसको लेके इतिहासकार बटे हुए हैं। तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि इतिहासकारों की इसमें राय क्या क्या है, फिर मैं आपको बताऊँगा। तो विद्वान विचारक है यहाँ पर मान्यता है स्टुअर्ट, यहाँ पिगॉट, गार्डन चाइल्ड, इन्होंने माना कि बाहरी आक्रमण द्वारा अर्थात आर्यों द्वारा जो आक्रमण किया गया इसके वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। एम आर साहनी के द्वारा बता रहे हैं कि बाढ़ आ गया, जलप्लावन हो गया। मार्शल एस आर राव और मैकी ने बताया बाढ़ आ गया। जी एफ हेल्स ने बताया कि घग्घर में बहाव में परिवर्तन के कारण इसका विनाश हो गया। और के बी आर कैनेडी ने बताया महामारी आ गया। अभी मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किन्होंने क्या राय दिया हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेके। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि इसका पतन कैसा हुआ है, ठीक है। तो पतन को लेके यहाँ पे आप देख सकते हैं दो चीज़ें यहाँ पे सामने आई है। एक होता है बाह्य आक्रमण जिसमें आर्यों का आक्रमण है, और दूसरी जो बात आती है यहाँ पे क्रमिक पतन को लेके, जिसमें हम लोग प्राकृतिक और नदी मार्ग का परिवर्तन को बेहद ही डिटेल्स देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो तर्क दिया जाता है, खासकर 1934 में गार्डन चाइल्ड वगैरह के द्वारा दिया गया कि हो ना हो आर्यों के आक्रमण की वजह से हड़प्पा काल का जो एक नगरीकरण जो सभ्यता था उसका क्या हो गया, पतन हो गया, और इस पर ठप्पा लगा दिया। 1946 में देखिए यहाँ पे मार्टिमल व्हीलर ने इस मत की पुष्टि कर दी कि ना ना भाई गार्डन भाई तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। और इसके एवज में अब उन्होंने साक्ष्य जो प्रस्तुत किया, ये देखिए इन्होंने आर्यों के समर्थन के लिए क्या क्या साक्ष्य जो प्रस्तुत किया, बताया कि बलूचिस्तान के, ठीक है, नाल और ड्राबर कोट आदि क्षेत्रों से अग्निकुट के साक्ष्य मिलते हैं। मोहन जोदड़ों की खुदाई में बच्चे स्त्री और पुरुष के बहुतायत मात्रा में जो नर कंकाल प्राप्त हुए हैं, लगभग 38 नर कंकाल प्राप्त हुए हैं, कि मारकाट जरूर मचा होगा। तीसरा ये लोग तर्क दे रहे हैं कि ऋग्वेदिया में, ठीक है, ऋग्वेद जो है यहाँ पे हरिपुरिया शब्द का प्रयुक्त हुआ है, और हरिपुरिया का आधुनिक हड़प्पा के रूप में इसकी पहचान की गई है। इसका मतलब कि आर्यों को पता था। इंद्र को पुरंदर अर्थात किलो को तोड़ने वाला कहा गया है, अर्थात इंद्र को पुरंदर उन्हें समझ सकते हैं, ठीक है, किलो को तोड़ने वाला, और जो हड़प्पा सभ्यता था, ठीक है, किलो से घिरा हुआ था, खासकर एक भाग तो किला से घिरा हुआ था जहाँ पे लोग सक्षम वर्ग लोग वहाँ पे रहते थे, इसके वजह से इसका क्या कर दिया गया, विनाश कर दिया गया। अगर हम विश्लेषण अगर करते हैं, ठीक है, तो विश्लेषण करने पर हम इस चीज़ को हम पाते हैं कि देखिए यहाँ पर कि उपरोक्त कथन को, ठीक है, पुरातात्विक दृष्टि से यहाँ पे प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो आर्यों का जो आगमन हुआ है, ठीक है, विभिन्न पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लगभग 1500 बीसी माना जाता है, 1500 ईसा पूर्व माना गया है, जबकि सभ्यता का पतन तो उसके पूर्व ही लगभग अगर देखा जाए तो 1750 के आसपास ही हो चुका है, ठीक है, तो कैसे हम लोग सही मान लें। दूसरी लोग बात कर रहे हैं मोहन जोदड़ों की जनसंख्या, कि मोहन जोदड़ों की जो अनुमानिक जनसंख्या लगभग 40,000, ठीक है, मानी जाती है, ऐसा इतिहासकारों में एक मत है। उनमें से मात्र जो 38 नर कंकाल मिले हैं, ठीक है, नर जो कंकाल होता है स्त्री बच्चों पुरुषों के, किसी बड़े नरसंहार की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर बड़ा नरसंहार होगा तो 40,000 में मात्र 38 ही क्यों, तो इसके आधार पर हम लोग मान सकते हैं कि आर्यों ने इसका विनाश किया। तीसरा है यहाँ पे हथियारों के साक्ष्य, कि आर्यों से संबंधित अगर लोगों ने इतने बड़ी मात्रा में मारपीट किया होता, ठीक है, तो उनके कुछ न कुछ हथियार, आक्रमणकारी हथियार के भी साक्ष्य मिले होते जो उस समय लोग यूज किया करते थे। इतना ही नहीं, ऐतिहासिक काल में
सिंधु सभ्यता के तत्वों में निरंतरता भी मिलती है। अतः आर्य आक्रमण का सिद्धांत पूरी तरीके से यहाँ पे पतन के लिए ध्यान रखिएगा प्रमाणिक नहीं बना जा सकता। इसको भी क्या कर दिया गया, बड़े प्यार से विश्लेषण करके इतिहासकारों ने टाल दिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी बात यहाँ पे क्रमिक पतन के सिद्धांत को लेके। इसमें दो है यहाँ पे प्राकृतिक प्रकोप को लेके। इसमें इन्होंने बताया कि कुछ विद्वानों का विचार है एक भयंकर वर्षा हुई होगी, महामारी, ठीक है, मतलब बीमारी, लंबे समय तक जल का अभाव हो गया होगा, उससे अकाल आ गया होगा, या भूकंप, ठीक है, अचानक आया होगा और इस सभ्यता को नष्ट कर दिया होगा। इसमें कुछ नाम है यहाँ पे, वर्धित शुष्कता और घग्गर का सूख जाना, जो नदी थी घग्गर, डीपी अग्रवाल, सूद और अमलानंद घोष का मत था। नदी का मार्ग जो परिवर्तन हो गया, इस विचार के जनक माधव स्वरूप वत्स हैं। डल्स महोदय का मानना है कि घग्गर नदी के मार्ग में बदलने के कारण ही कालीबांगा का पतन हो गया। लेसब्रिक का भी यही मानना है। नेक्स्ट एक लुक बता रहे हैं बाढ़ से कि मोहन जोदड़ो के बाढ़ के चिन्ह स्पष्ट होते हैं। मैके महोदय का मानना है कि चन्हुदड़ो के बाढ़ के कारण समाप्त हुआ, जबकि एस आर माना है कि लोथल एवं भगवत राव में दो, ठीक है, कि दो बार भीषण बाढ़ आई जिसके वजह से इतनी बड़ी संस्कृति क्या हो गई, लुप्त हो गई। एक दूसरे प्रकार का जल पलावन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मोहन जोदड़ो आमरी आदि स्थलों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सभ्यता में एक दूसरे का जल पलावन भी हुआ है। कुछ स्थलों से रुके हुए जल प्राप्त होते हैं। इस विचार के प्रतिपादक हैं एम आर सहनी। उसी तरीके से एक अमेरिकी जल वैज्ञानिक आर एल राइक्स भी इस मत की पुष्टि करते हैं और यह कहते हैं कि संभवतः भूकंप के कारण ऐसा हुआ है। अगर देखिए, अगर हम लोग इसका विश्लेषण करें, अब यूँ हम कर सकते हैं कि निष्कर्ष करें, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा कि वस्तुतः देखिए सभ्यता का, इतनी बड़ी सभ्यता का जो पतन है, आकस्मिक हमें कहीं से भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि पतन क्रमिक रूप से हुआ है और इसे घटना के रूप में ना देखें, बिल्कुल एक प्रक्रिया के रूप में, जैसे इसकी उत्पत्ति को लेकर बोला जाता था, वैसे ही इसकी समाप्ति को लेकर, इसके पतन को लेकर भी हमें बिल्कुल एक प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। और इसका जो परिणाम है, ठीक है, जो प्रमाण है, सॉरी, इसका जो परिणाम है हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर देखना चाहिए, जो क्रमिक पतन को भी सूचित करते हैं। जैसे नगर निर्माण हो गया, नगर निर्माण के साथ साथ यहाँ पे नियोजन में ह्रास आना, सड़कों पर अतिक्रमण हो गया, जल निकासी एवं आपूर्ति व्यवस्था का भंग हो जाना। इतना ही नहीं, पतन की प्रक्रिया अनियमित थी, अर्थात अलग अलग क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो अलग अलग समय में हुआ, जिसके कारण भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। पतन की प्रक्रिया संपूर्ण हड़प्पा संस्कृति के विनाश की ओर नहीं, बल्कि नागरिक चरण में, माने पुनः ग्रामीण सभ्यता में इसको क्या कर दिया, परिवर्तन को पूरी तरीके से इंडिकेट कर रहा है, सूचित कर रहा है। अब दरअसल यहाँ पे देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो अस्तित्व है, उसके आधारभूत तत्व, ठीक है, जो भी उसका आधारभूत तत्व है, नगर निर्माण की प्रक्रिया उसी पे टिका हुआ था। ये तत्व थे अधिशेष कृषि उत्पादन, विकसित व्यापार। जब इनका संतुलन बिगड़ने लगा, इनका जो भी रिसोर्स था, यहीं जब इनका बिगड़ने लगा, तो सभ्यता में हराज के तत्व दिखाई देने लगे। और इस संतुलन को बिगाड़ने में पारिस्थितिक असंतुलन को महत्वपूर्ण कारक माना जा सकता है। फलतः कृषि अधिशेष हो गया, व्यापारिक गतिविधियों में गिरावट हो गया और सभ्यता पुनः क्या हो गया, नगरीकरण से ग्रामीण अवस्था में पहुंच गई, जिसे आज हम उत्तर हड़प्पा काल के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानी गई। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, कुछ चन्हुदड़ों में झुककर झाकर हो गया, उसी तरीके से पंजाब में बाड़ा संस्कृति, राजस्थान में लाल मृदभांड संस्कृति, ऐसे चीज़ों के नाम से इसे जाना गया। तो इसे निष्कर्ष के रूप में आप इन सब बातों को जरूर बताइए, ठीक है, कि क्रमिक, ठीक है, जैसे इसकी उत्पत्ति हुई थी क्रमिक प्रक्रिया के रूप में, वैसे इसका अंत भी हुआ क्रमिक प्रक्रिया के रूप में। अब आइए हम लोग लास्ट यहाँ हम लोग बात करते हैं, इसे भी देख लिए हम लोगों ने, इसे भी देख लिए। अब यहाँ पे योगदान क्या है इसका, ठीक है, योगदान में अगर हम लोग देखेंगे तो इसको मैंने दो चीज़ों में बांट दिया है। पहला है यहाँ पे आप देख सकते हैं भौतिक क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में यहाँ पे शासन प्रणाली को लेकर जो बात की जा रही है कि सिंधु सभ्यता में जिस तरह शासन प्रणाली केंद्रीकृत स्वरूप से युक्त थी, नगर प्रशासन पूरी तरीके से वहाँ मौजूद था, वह परवर्ती काल के, मैंने आने वाले जो हड़प्पा काल के
बीच के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि आगे चल के मौर्य हो गया, गुप्त हो गया, ठीक है। इनके जो नागरिक प्रशासन के सूत्र तो अगर देखा जाए तो संध्यकालीन नागरिक प्रबंधन में पूरी तरीके से दिखाई देते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा है यहाँ पे आवास निर्माण को लेके कि हड़प्पा सभ्यता के आवास निर्माण का ढांचा जैसा रहा उसकी निरंतरता हमें आगे भी दिखाई देती है, जैसे घर के मध्य में आंगन, चारों तरफ आवासीय कक्ष, किनारे स्नान गिरी जैसी संरचना सिंधु काल से ही प्रवाह माना जाता है, जो आज भी देखिए वर्तमान समय भी ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। कृषि कार्य यहाँ पे हड़प्पा निवासियों को अब देखिए गेहूँ, जौ, बाजरा आदि फसलों की जानकारी जो वैदिक काल से आज तक निरंतरता में है, उस समय भी हड़प्पा निवासियों को गेहूं की जो बुआई जो नवंबर में करते थे, ठीक है, ऐसा माना जाता है नवंबर में करते थे, जो आज भी कहीं ना कहीं देखिए जारी है, एक खरीफ के फसल के रूप में मौजूद है। तो साथ ही विभिन्न दुधारू एवं भार वाहन वाले पशु जैसे भेड़, बकरी, गाय, बैल आदि की निरंतरता सिंधु काल से भी देखी जा सकती है। तीसरा यहाँ पे व्यापारिक साधन को लेके यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे नाव बैलगाड़ी की निरंतरता भी वैदिक काल से आगे तक जो हमें नज़र आती है कहीं ना कहीं अभी भी देख लीजिए। बाट माप प्रणाली है यहाँ पे कि इसके अंतर्गत जो भी दशमलव पद ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान हो गया, मौसम संबंधी जो निरंतरता है आज भी हमें दिखाई देती है, सड़कों का निर्माण हो गया, भवनों में लगी ईंटों की लंबाई चौड़ाई का अनुपात हो गया, सिंधु निवासियों के ठीक है गणितीय ज्ञान को पूरी तरीके से क्या करता है बढ़ाता है, जो आर्यों की पद्धति में भी हमें मिलता है बिल्कुल, ठीक है, एक क्रमिक प्रक्रिया के रूप में हमें दिखाई देता है। उसी तरीके से यहाँ पर दशमलव पद्धति, ठीक है, दशमलव पद्धति के साथ साथ ये इनको धातु विज्ञान का ज्ञान था, ठीक है, धातु विज्ञान यहाँ पे है, ग्रह नक्षत्र मौसम संबंधी है, इनको रासायनिक पद्धति का ज्ञान था कि कैसे, ठीक है, टीन में, ध्यान रखिएगा, जो टीन था टीन में तांबे को मिला के एक नया धातु अगर कांस से बनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। वैदिक आर्यों के ग्रंथ में भी सामवेद ग्रंथ में संगीत के रूप में इंगित मिलता है, जो कहीं ना कहीं हड़प्पा काल में खूब नाचा, ठीक है, मतलब नाचना गाना सब चलता था। श्रृंगार के रूप में आप देख सकते हैं कई प्रकार के खुद यहाँ पे है आभूषण एवं श्रृंगार में लोथल से लिपस्टिक का साक्ष्य मिला, ठीक है, केश विन्यास के रूप में हमें दिखाई दिया। मृद भांडों पर चलाक लोमड़ी का अंकित कहीं ना कहीं यह दर्शाता है, ठीक है, कि आने वाले समय में देखिए अभी पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं कहीं ना कहीं बहुभाषा में विश्व के सबसे अधिक चर्चित एक कहानी उस पंचतंत्र की कहानी है, जो लगभग आपको हर एक लैंग्वेज में मिल जाएगी, कहीं ना कहीं बहुभाषा कई भाषा भाषी के लोगों का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को भी क्या करता है निरंतरता को दर्शाता है, जो आज भी मौजूद है। उसी तरीके से आध्यात्मिक क्षेत्र में देखिए जो प्राकृतिक पूजा, अग्नि पूजा, पशुपतिनाथ पूजा, नाग पूजा, मरणोपरांत जीवन विश्वास, बलि प्रथा का जो प्रयोग है आज भी देखिए क्या निरंतरता नहीं लिए हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए इसका नींव तो हमें अगर देखें तो जो इसका योगदान है हड़प्पा काल ने काफ़ी कुछ, ऐसा नहीं है कि इस सभ्यता का पतन हो गया तो पतन होने के पश्चात इसने अपनी सारी गुणों को खो दिया, वो गुण कहीं ना कहीं देखिए हमारे आज के वर्तमान समय में भी क्या है मौजूद है। और वैसे ही आपको आंसर राइटिंग करना पड़ेगा, थोड़े से एग्जामिनर को आपको दिखाना पड़ेगा आसानी से, ठीक है, आपको नंबर मिल जाएगा। तो आज हड़प्पा सभ्यता को हम लोगों ने फिनिश कर दिया, ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता के फिनिश हो जाने के पश्चात देखिए हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी तरीके से हम लोग डिटेल्स एनालिसिस करेंगे, वैदिक काल है, ठीक है, तो वैदिक काल के लिए आप लोग रेडी हो जाइए, ठीक है, और नीचे आप लोग कमेंट करते रहे। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।